अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द डिफेंस ब्रिटिशन अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्पेस में दिख रहा होगा कि आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं इंटीग्रेशन की ट्रिक। ऐसी इंटीग्रेशन की ट्रिक जो आपको सवाल दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट ax प्लस b, इस फॉर्म का अगर आपका इंटीग्रेशन आ जाए, अगर ऐसे फॉर्म का इंटीग्रेशन आपके सामने अगर दिख जाए आपको, तो उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रिक क्या होती है। यार, ट्रिक इज़ नथिंग बट थिंकिंग इन अ वेरी एडवांस वे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक कुछ नहीं होती है, बस ट्रिक जो होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ही बनाई जाती है। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, जिसकी यानी कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट ax प्लस b के फॉर्म जैसा अगर क्वेश्चन दिया हो, तो उसे हम लोग कैसे हल करेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो का आज हम लोग टारगेट रख रहे हैं 50 सब्सक्राइबर का, 50 लाइक और 50 शेयर का। यार, कम से कम 50 लाइक और 50 शेयर और 50 सब्सक्राइबर नहीं आते हैं तो यार वीडियो अपलोड करने का और आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके सामने, अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए कि dx इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट ax प्लस b के फॉर्म जैसा अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, बात की जाए। अगर पहले हम लोग जब बेसिक से इसको हल करते थे, तो क्या करते थे यार, कि हम लोग पहले ये जो ax प्लस b था, इसको हम लोग क्या बना लेते थे, इसको पूरे को हम लोग t मान के इसका हम लोग क्या कर लेते थे यार, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न बदल देते थे इसको। तो यार वो बहुत बड़ा लेंदी हो जाता था और बहुत ही हमारा क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था। जबकि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में हम लोगों को क्या है, टाइम सेव करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेज करना ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की सबसे बड़ी रणनीति है भाई, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे बेसिक में, इस पूरे को इसको हम लोग क्या मान लेते थे, टी मान के इसको हम लोग क्या कर लेते, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न बना के हल करते थे। लेकिन अब हम लोगों को, ठीक है यार चलिए अब ट्रिक के हम लोग हिसाब से चलते हैं। तो ट्रिक के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहले यार हम लोग ये देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर भाई कंडीशन नंबर फर्स्ट नंबर कंडीशन है, अगर यार बी क्या हो, पॉजिटिव हो, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है ना। बी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर बी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यार बात करेंगे, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई थिंक ब्राइटनेस इज लो। चलिए तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ। तो अगर बात की जाए, अगर बी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर बी आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बी आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का जो आपको ऊपर दिख रहा है, 1/√b, क्या लिखेंगे, 1/√b, कब, जब आपका b पॉजिटिव हो, जैसे कि आपका ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो 1/√b log लिखेंगे, इसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और अंश वाले यानि फॉर्म में क्या लिखेंगे, ax प्लस b माइनस √b, ठीक है ना। फिर बटे में यानी कि डिनोमिनेटर में हर में क्या लिखेंगे, ax प्लस b, यहाँ पे प्लस b हो जाएगा यानी कि प्लस का √b, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो जब आपका पॉजिटिव यानी कि b क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हो, b क्या दिया हो, पॉजिटिव दिया हो, तो आप क्या करेंगे, 1/√b log, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा सा, √ax प्लस b माइनस √b अपॉन √ax प्लस b
प्लस रूट बी कोष्टक बंद कर देंगे प्लस सी। तो ये फॉर्मेट आपको कब अपनाना है, जब आपका ऐसे फॉर्म में आपको क्या क्या दिया हो, बी पॉजिटिव दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे, वन अपॉन रूट बी लॉग अंश में रूट ए एक्स प्लस बी माइनस रूट बी अपॉन हर में रूट ए एक्स प्लस बी प्लस रूट बी कोष्टक बंद करके प्लस सी। अब बात करी जाए अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भाई माइनस आ जाए तो देखिए, अगर माइनस आ जाए तो आप क्या ठीक अपनाना है, यहाँ पे टू लिखेंगे अपॉन रूट माइनस बी लिखेंगे, भाई क्या लिखेंगे, रूट माइनस बी। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, टैन इनवर्स आएगा, क्या आएगा, टैन इनवर्स एक ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ा सा रूट लगाएंगे, जो आपके लिए अंश के लिए भी होगा और हर के लिए भी होगा, क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस सी, क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस सी ए एक्स प्लस सी अपॉन माइनस का बी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर माइनस का बी दिया हो तो टू अपॉन माइनस का रूट बी टेन इनवर्स रूट ए एक्स प्लस सी अपॉन माइनस बी प्लस सी। तो ये आपकी ट्रिक है जो आपको ऊपर दिए गए क्वेश्चन को हल करने में क्या होगा, आपकी हेल्प करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब बी पॉजिटिव दिया हो तो आप ये वाला ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, जब बी निगेटिव दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए तो कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हो, क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स दिया हो तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका बी क्या दिया हुआ, भाई पॉजिटिव दिया हुआ, तो आप क्या लगाएंगे, ये आपका ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया है, ए एक्स यानी कि ए की वैल्यू वन दी हुई है और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, टू, तो बी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, तो अब आप इसमें बी पॉजिटिव वाला लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे, बी पॉजिटिव वाला। तो बी पॉजिटिव वाला क्या था, लगाइए फार्मूला फॉर बी पॉजिटिव क्या था, वन अपॉन रूट बी लॉग इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी माइनस का रूट बी अपॉन रूट ए एक्स प्लस बी प्लस का रूट बी। ठीक है ना, ऊपर माइनस का रूट बी, नीचे प्लस का रूट बी, ब्रैकेट बंद, प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग ए और बी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, चलिए पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे चलिए, तो वन अपॉन रूट बी यानी कि बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, टू, तो वन अपॉन कितना दिखेंगे, रूट टू। ठीक है ना, तो वन अपॉन रूट टू लॉग इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी, यानी कि अब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, वन, तो ऐसा ही लिख देंगे जो आपका दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी यानी कि एक्स प्लस टू माइनस का रूट बी यानी कि माइनस का। तो भाई हम लोगों ने क्या किया यार, अंश में हम लोगों ने क्या रख दिया यार, यानी कि न्यूमरेटर में हम लोगों ने रूट ए एक्स प्लस बी माइनस का रूट बी यानी कि ए एक्स प्लस बी की जगह एक्स प्लस टू, रूट ए एक्स प्लस बी की जगह रूट ए एक्स प्लस टू माइनस का रूट बी की जगह टू, क्योंकि बी का मान कितना है, दो, तो माइनस का रूट बी यानी कि माइनस का रूट टू। हर में वही प्रोसेस क्या है, बस चिन्ह बदलना है, रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट टू क्या हो गया, प्लस सी आंसर हो गया। चलिए ये तो था प्लस बी के लिए, अगर बी निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन आपका अगर दिया हो dx अपॉन
एक्स अंडर रूट एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको पेज को थोड़ा क्या कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये कर देते हैं। चलिए हाँ, तो अगर आ गया आपका डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस थ्री आ गया, तो कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, बी निगेटिव दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी निगेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहले लिख लेंगे फॉर बी निगेटिव। पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, मिक्सअप ना हो इस वजह से। फॉर बी निगेटिव क्या होता है, टू अपॉन माइनस का रूट बी। यहाँ पे क्या होता है, टू अपॉन माइनस का रूट बी, और यहाँ पे लॉग नहीं होता, क्या होता है, टैन इनवर्स होता है। टैन इनवर्स पूरे में होता है, सॉरी रूट पूरे का होता है इसमें ए एक्स प्लस सी होता है, ना कि बी। ए एक्स प्लस सी अपॉन माइनस के बी होता है, क्या होता है, माइनस का बी। यहाँ पे आपको दो जगह माइनस का बी दिख रहा है, ये आपको अपने माइंड में क्या है, बसा लेना है, ठीक है ना। चलिए प्लस सी, तो माइनस वो बी अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, टू अपॉन माइनस का बी टेन इनवर्स ब्रैकेट में होल ऑफ रूट स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस सी अपॉन माइनस का बी प्लस क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए दिया हुआ है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस टू, यानी कि ए एक्स माइनस, ये क्या दिया हुआ है आपका, ए एक्स माइनस बी कितना दिया हुआ है आपका, लिख लेते हैं अलग से, एक्स माइनस थ्री, यानी कि जो ए की वैल्यू है, एक्स के आगे जो गुणांक दिया हुआ है कितना है, वन, यानी कि ए की वैल्यू वन होगी और बी की वैल्यू जो है वो थ्री है, यानी कि माइनस बी की वैल्यू कितनी है, वो माइनस थ्री है। जब बी की वैल्यू बात की जाए तो बी की वैल्यू कितनी है, सीधे कह सकते हैं आप कितनी, माइनस तीन, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है। चलिए तो अब इसको हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे, टू अपॉन माइनस का रूट बी, माइनस का रूट बी, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी, माइनस का तीन, ठीक है, ये माइनस का तीन दिया होता है बी की वैल्यू, और माइनस पहले से ही सूत्र में दिया हुआ तो कितना हो जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा, आ गया। टेन इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स कितना आएगा, कोष्टक लगाएंगे, रूट ए एक्स प्लस सी, यानी कि इसको हम लोग पहले इतना लिख लेते हैं यार, अपॉन माइनस का बी प्लस सी, तो टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स, टू अपॉन कितना होगा, टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट ए एक्स प्लस, सॉरी यार यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, सी कर दिया यार, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। तभी यहाँ पे मुझको कुछ डाउट हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है यार, ये हम लोगों ने सूत्र में सी, जबकि सी का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब जगह क्या होगा, बी होगा भाई, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन माइनस का बी होल रूट लिखेंगे पहले, ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का थ्री, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस थ्री है तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री, प्लस कितना हो जाएगा, सी। तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर एक्स माइनस थ्री की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो क्या लगाएंगे आप, क्योंकि माइनस का बी दिया हुआ है, तो फॉर बी निगेटिव वाला आप
सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2√-b tan इनवर्स रूड होल रूड ax plus b upon minus का b इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस सी माइनस के बी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2√-b tan इनवर्स ब्रैकेट बंद ब्रैकेट लगाएंगे होल रूट लगाएंगे अंश बटे हर का होल रूट ax plus b upon minus b ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस सी, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे b की और a की, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आपका आंसर आ गया है। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।